गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लालबाग गर्ल्स कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिगत स्वच्छता। आज सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे पर्यावरण स्वच्छता के विषय में, जो कि इस प्रकार है। पर्यावरण स्वच्छता में हमारे घर के आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ तथा कीटाणु रहित जल, वायु तथा भोजन नहीं मिल पाता, जिनसे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो पर्यावरण को हम सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं, उनको हम कुछ उपायों द्वारा समझें, जो कि इस प्रकार हैं। धुएं रहित चूल्हे का प्रयोग, कारखानों तथा फैक्ट्रियों को शहर से दूर लगाना तथा इनकी चिमनियों को ऊंचा करना, स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कराकर नियंत्रण करना, कूड़ा कचरा आदि सार्वजनिक स्थल, नदी, तालाबों आदि में न डालना, जल स्रोतों के समीप शौच ना करना, ना नहाना, कपड़े ना धोना तथा पशुओं को ना नहलाना, उद्योगों के पदार्थों को नदियों व तालाबों में ना बहाना, मैदानों व खुली जगहों में मल मूत्र का त्याग ना करना, पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर ना छुड़ाना, भोज्य पदार्थों को ढक कर सुरक्षित रखना। ये तो हो गए हमारे उपाय। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिदिन हम कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं और उसका रख रखाव और उसकी सूची के बारे में जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले सामानों की साफ सफाई। आप अपने माता पिता, भाई बहन, घर के सभी कार्यों में हाथ बटाते हैं। कार्य करने के लिए हम विभिन्न सामानों का भी आवश्यकता पड़ती है। आप अपने घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले सामानों की सूची बनाइए। बच्चों, ये मैंने आपके लिए सूची बनाई है, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, या आप अपनी कॉपी में भी इसी तरह से बनाएंगे। क्रमांक, क्रमांक में यहाँ पे आप संख्या लिखेंगे, जो संख्या आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं उसके विषय में। फिर सामान का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उपयोग, जैसे सामान में आया है बर्तन, तो उपयोग, बर्तन क्या काहे में काम आता है उपयोग में, खाना बनाने और खाना खाने। फिर दूसरा क्रमांक नंबर है टेबल और कुर्सी, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, बैठने के लिए। तो बच्चों, ये तो हुई हमारी इस तरह की तालिका, जो आप बना लीजिएगा। उसके साथ जो भी सामान हम यूज़ करते हैं उसकी साफ़ सफाई भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम उसकी साफ़ सफाई, फर्नीचर की या जो भी सामान हम अपनी जीवन में यूज़ कर रहे हैं, घर में यूज़ कर रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई समय से ना की जाए, तो उसमें बहुत से कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम आवश्यक सामग्री या सामान यूज़ करते हैं उसकी एक सूची बना लें, उसके अंतर्गत उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। वो इस प्रकार है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये दूसरा टेबल मैंने बनाया है। इसमें भी आपको क्या करना है, क्रमांक, संख्या लिखनी इसमें आपको, उसके बाद सामान का नाम, सफाई कैसे करते हैं, नेक्स्ट सुरक्षा कैसे करते हैं। ये देख लीजिए बच्चों आप ध्यान से,
इसमें चारों हेडिंग्स हैं और ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे इसी तरह से कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं और हम उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये आप बना लीजिएगा। आज का ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है बच्चों, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या आपको ये नहीं समझ में आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है और हमें ये निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्लास जो लूँगी वो होगा आपका असाइनमेंट क्लास। उसमें मैं आपको असाइनमेंट दूँगी बच्चों, जो कि आप उसमें कंप्लीट करेंगे नोट्स के द्वारा, और हम उसमें उसके बाद न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। थैंक यू।